तो आप बताओ कि टास्क बार क्या होता है। वैसे वीडियो तो चलेगा, अगर आपको लगता है कि मुझे खुद से एक्सप्लेन करना है तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो। कि आप बताओ कि टास्क बार जो हमारे जो डेस्कटॉप है उसके नीचे जहाँ पे एक स्केल की तरह दिखाई देता है वहाँ पे कुछ जो आइकन्स होते हैं पहले से इंस्टॉल होते हैं उनको हम पहले से रखते हैं जिसको हमें फिर यूज़ के लिए हम उस पर क्लिक करके डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। तो आप उनको दिखाओगे कि यहाँ पे ये टास्क बार है आपका, यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आएंगे, बोलेंगे सर इनमें टास्क बार है क्या, तो आप इस तरीके से बताओगे कि ये आपका टास्क बार है। ठीक है, आइए जानते हैं कि टास्क बार क्या होता है। आपके डेस्कटॉप पर जहाँ स्टार्ट बटन होता है वहां से लेकर और जहाँ वीडियो में दिखाया जा रहा है यहाँ तक टास्क बार कहलाता है। टास्क बार के अंदर हम उन फाइल्स को देख सकते हैं जिन्हें हम ओपन कर रखे हैं, जैसे कि सामने वीडियो में दिखाया जा रहा है। फाइल कौन सी होती है? एक वर्ड की फाइल ओपन, वर्ड अबे पेंट की खुली हुई है तो पेंट का वो जो कलर और पेंसिल ब्रश टाइप का बना होता है फाइल्स हो गया। अबे एक्सेल है तो एक्सेल का बना होगा तो ये फाइल्स होती है। फोल्डर कौन सी होती है? जो ये येलो कलर की यहाँ पर बॉक्स दिख रही है ये फोल्डर हो जाती है। हम अपने इस विंडो पे कितने फाइल्स और फोल्डर को ओपन कर सकते हैं? दो तरह का शो करता है, तो फोल्डर वैसा खड़ा शो करता है, तो ऐसा खड़ा ऊपर फोल्डर शो कर रहा है, नंबर लास्ट पे नंबर दो पे ये फोल्डर है यहाँ पे वो तो सर डेस्कटॉप पे फोल्डर है ना, जब ये ओपन ओपन होता है ना ओपन कर ये फाइल कहलाएगी, ये फोल्डर कहलाएगा, ये फोल्डर कहलाएगा और ये फाइल्स है। सर यहाँ पे वो चीज दिखता है जो हम ओपन करते हैं। एक बार डेस्कटॉप से इनको दिखाओ सर, जैसे ये हमारा इसको ओपन करो फाइनल एक सेकंड को, यहाँ पे कुछ नहीं है ना, ठीक है यहाँ पे कोई फोल्डर अभी ओपन नहीं दिख रहा है, उसको ओपन करना फाइनल मैनुअल फॉर पेंट। ये हमारा फोल्डर है हमने ओपन किया यहाँ पे दिख गया आपको, जब भी ओपन करेंगे यहाँ पे आ जाएगा। अगर यहाँ पे सिंगल ब्लैंक बना हुआ है इसका मतलब कोई भी फोल्डर ओपन नहीं है। ओपन करेंगे यहाँ पे एक बॉक्स जैसे रेक्टेंगल वाला बन रहा है मैक्सिमाइज और मिनिमाइज वाला बटन के पास, वैसा ही यहाँ पे आ जाता है और जो भी फाइल्स होंगी वो यहाँ पे अगर पेंट की है एमएस वर्ड की है एक्सेल की है या ओपन ऑफिस की फाइल्स हैं जैसे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट राइटर प्रेजेंटेशन स्प्रेडशीट वो यहाँ पे शो हो जाती है, तो फाइल्स होती हैं। क्लियर है? फाइल्स और फोल्डर आप इसका एग्जांपल कुछ और भी दे सकते हैं अगर समझाने के लिए बच्चों को कि फोल्डर क्या होता है। जैसे हम एक कोई डॉक्यूमेंट रखने के लिए बैग खरीद के लाते हैं वो क्या कहला जाएगा? आपका फोल्डर हो जाएगा। उसके अंदर हम बहुत सारे फाइल्स रख सकते हैं प्रिंट आउट करा के कागज का, वो फाइल्स हो गई। आप उनको एग्जांपल दे सकते हैं फोल्डर के लिए। आप लाइब्रेरी में देखते हैं आपके क्लासरूम में जहाँ पे रैक लगा होगा उस पर टैग लग गया कि भाई ये साइंस के सब्जेक्ट का बुक है यहाँ पे, तो उसके अंदर क्या मिलेगा आपको? सिर्फ साइंस के ही मिलेंगे। नीचे लग गया हिंदी इंग्लिश मैथ तो उसके अंदर क्या होगा? हिंदी की ही चीज़ें होंगी। वैसे ही फोल्डर के अंदर हमने बना दिया पेंट कोर्स टू, मतलब इसके अंदर आपको हमारे पेंट टू जो मॉड्यूल्स हैं उसके सारे भाग मिल जाते हैं, इसमें पेंट वन का नहीं मिल सकता आपको। तो ये होता है फोल्डर। डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे? तो डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे इसमें? एक बार आता है डॉक्यूमेंट फाइल एंड फोल्डर। डॉक्यूमेंट आपके लोकेशन का वो बताता है सर। फोल्डर जैसे बना लिए ना, जैसे इनको डॉक्यूमेंट दिखाना सर को। डॉक्यूमेंट कैसे करेंगे? क्या डॉक्यूमेंट सर एमएस वर्ड या इसमें बनाते हैं स्प्रेडशीट में बनाते हैं तो सब डॉक्यूमेंट फोल्डर में जाते हैं, फोल्डर्स फाइल में जाते हैं। हां ऐसे होता है। हां आपकी मर्जी है। वैसे जब आपको फाइल सेव करते हैं डायरेक्ट डॉक्यूमेंट में जाएगी, आपकी मर्जी है उसे कहां पे सेव करें, डेस्कटॉप पे जाए तो फाइल वो अलग चीज है। वो अलग चीज मैं कह रहा हूं, इसे आपने पहले फाइल खोली, फाइल के अंदर आपके फोल्डर्स हुए, डॉक्यूमेंट्स हुए। डॉक्यूमेंट्स हमारा लेटर वर्ड्स होता है, लेटर जो एमएस वर्ड हम बता रहे हैं वर्ड और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट फोल्डर में आ गए, फोल्डर से फाइल में आ गए, ये सिस्टम इस तरह से है। आगे और एक एक्सेल की
और यहाँ पे सबसे लास्ट में माई डॉक्यूमेंट जो कि फोल्डर ओपन है, यह आपका टास्क बार कहलाता है। अब इस फाइल को लाने के लिए आपको नीचे टास्क बार के अंदर अपने पॉइंटर को लेके आना होता है और उसके बाद अपने टच पैड या माउस का लेफ्ट बटन क्लिक कर लेना है जिससे आपकी पेंट की फाइल दोबारा से आ जाएगी। तो ये क्या था, मिनिमाइज करना तरीका बता दिया गया। अब क्या बोलेंगे बच्चों को कि आप ये चीज करके दिखाएं, टास्क मिनिमाइज करके दिखाएं। तो मिनिमाइज कहां से होगा, जो माइनस के साइन की तरह ऊपर दिख रहा है वहां पे क्लिक करेंगे तो वह फाइल कहां जाके हाइड हो जाएगी, टास्क बार। कहां छुप जाएगी जाके, टास्क बार। कैसे पता चलेगा, टास्क बार के अंदर क्या बनेगा सर, शो करने ले रहा है, शो कराना पेंट वाला जो कलर बॉक्स यहां पे, उनको पता चल जाएगा। ये चीज उनको बताना, आपके पेंट में ये दिखेगा तो आपको वहां फाइल है। अगर एमएस वर्ड का है तो डब्ल्यू लिखकर कुछ आ जाता है, ऐसे करके आ जाता है। वो ऊपर नीचे जो होती दोनों भी टास्क बार कहते हैं। ऊपर सर अगर फाइल है, अगर फाइल है जैसे उसमें एक बार फाइल टाइटल बार कहलाता है, वो टाइटल बार है। हां क्लिक करो इस पे जैसे ऊपर है इसमें वो टाइटल बार है। हां सर नीचे टास्क बार है, नीचे टास्क बार है। एक बार वीडियो प्ले करो, वीडियो ऑप्शन है। चलिए वीडियो प्ले करो, मिनिमाइज करके देख लीजिए सभी लोग, मिनिमाइज प्रैक्टिस कीजिए। मुझे सबका रिजल्ट चाहिए, ये नहीं कि तीन चार लोग बताए तो तीन चार लोगों का ही चलता है, नहीं सबका रिजल्ट चाहिए, सब लोग एक लेवल पे आने चाहिए। मिनिमाइज करके अब उसे वापस लाइए, मैच करके फिर से मिनिमाइज कीजिए, वापस लाइए। अगर उन्होंने पेंट, बच्चों ने पेंट की फाइल को ओपन कर लिया और वो पेंट की फाइल उनकी स्क्रीन से चला गया, कहेंगे सर मेरा तो कहाँ है, चला गया। आप उनको बताओगे कैसे ठीक करोगे, सबसे पहले क्या चेक करोगे कि उन्होंने फाइल को मिनिमाइज तो नहीं किया ना। अगर मिनिमाइज भी नहीं किया इसका मतलब उन्होंने क्लोज कर दिया, क्लोज कर दिया तो क्या कहेंगे आप, दोबारा से ओपन कर लीजिए। अगर सेव कराया है तो पता होगा किस नाम से, हाँ वो हम आगे सीख लेंगे, सेव जब कराऊंगा तब जी। ठीक है इस चीज को आप ध्यान, जहाँ पे जो भी चीज है क्लास जहाँ तक पहुंची वहीं तक रहना है, आगे बढ़ूंगा आगे बढ़ने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है इस तरह से आप सिर्फ मिनिमाइज बटन से अपने फाइल को हाइड कर सकते हैं। अगर आपकी फाइल में इस बटन पर जो रेक्टेंगल बॉक्स दिखाई दे रहा है तो आप उस समय अपनी फाइल को सेव, और यहाँ पे कितने वो क्या दिखेंगे रेक्टेंगल बॉक्स, किसके किसके सिस्टम में रेक्टेंगल बॉक्स दिख रहा है चेक कीजिए अपने सिस्टम में, रेक्टेंगल बॉक्स है या रीस्टोर जो एक रेक्टेंगल है सर, डबल मेरे में शो कर, डबल रेक्टेंगल है या एक रेक्टेंगल है, डबल सब में डबल है। ये कौन सा बटन कहलाएगा, रीस्टोर डाउन कहलाएगा। सबका आंसर सुनना चाहिए मेरे कानों में, क्या कहलाएगा ये, रीस्टोर डाउन। अगर सिंगल रेक्टेंगल है फिर क्या कहलाएगा, मैक्सिमाइज। कब करेंगे, जब स्क्रीन छोटी हो, कौन सी स्क्रीन, आपकी पेंट की, पेंट का फाइल उन्होंने ओपन किया, वो कह रहे हैं सर मेरा ना पेंट का फाइल छोटा हो गया, तो आप क्या करोगे, मैक्सिमाइज करोगे। अगर उनका सीट जो पेज है वो छोटा हो जाएगा तब क्या करोगे आप, पेज का साइज जो है जूमिंग से आप ठीक करोगे। मैंने कहा था मैं कभी भी रिविजन ले सकता हूँ, पूछ सकता हूँ, तो ये आपको एक्टिव रहना है। क्लियर है, अब हम मैक्सिमाइज और रिस्टोर डाउन करना सीख रहे हैं। मिनिमाइज का क्लियर है सबको ना, क्या हो गया सर, कोई क्लियर है ना, ये आगे प्ले करो, रिस्टोर सिर्फ छोटा कर सकते हैं। और अगर यहाँ पर एक बॉक्स दिखाई दे रहा है तो आप इसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं, मैक्सिमाइज से आपकी फाइल
बड़ी हो जाएगी। आइए अब मैक्सिमाइज या रीस्टोर करना सीखते हैं और देखते हैं कि इससे क्या होता है। मैक्सिमाइज या रीस्टोर करने के लिए आप सभी अपने पॉइंटर को मैक्सिमाइज या रीस्टोर बटन पर लेकर आए। अपने पॉइंटर को मैक्सिमाइज या रीस्टोर बटन पर लाने के लिए माउस और टच पैड का प्रयोग करना है। पॉइंटर को मूव कराने के लिए किसका उपयोग करेंगे सर? आप बताएं। माउस और टच पैड। अगर लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो टच पैड। अगर डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं तो माउस का। यहाँ पे क्लिक करने के लिए क्या कौन से की का उपयोग करें, कौन से बटन का उपयोग करेंगे? जैसे पॉइंटर वहां पे चला गया मैक्सिमाइज रीस्टोर पे, कौन से बटन का उपयोग करेंगे? क्लिक करना है। जैसे पॉइंटर यहाँ पे है, अब इसको दो रेक्टेंगल है या एक रेक्टेंगल है यहाँ पे? अच्छा इस पे देखिए, यहाँ पे कितने हैं? यहाँ पे इसे स्क्रीन पे देखिए, इसे स्क्रीन पे दो है या एक? दो है। अभी क्या हो सकता है ये? अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो क्या होगा? कौन सा बटन कहलाएगा? रीस्टोर डाउन कहलाएगा। अगर सिंगल रेक्टेंगल है तो क्या होगा? अन्यारा करके दिखाना। ये क्या हो गया?